दादी बुआ को बैठा दिया इस ट्रेन में, वो चले गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो चलिए चलते। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज तो सूर्य भगवान सुबह सुबह ही उदित होने लग गए हैं, देखो। और आज बिल्कुल भी धुंध नहीं है, बहुत सुंदर दृश्य है मेरे पीछे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। सो गाइज, ये देखिए, सूर्य भगवान धीरे धीरे अब निकलने वाले हैं। अभी टाइम हुआ है 7 बजने वाले हैं, आज बिल्कुल भी धुंध नहीं है। हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसे सुबह दिखाई दी, नहीं तो धुंध की चादर आसमान में और इधर उधर सब चढ़ी रहती। सो गाइस, बच्चों को उठाती हूँ, लेकिन एक और हो गया है प्रॉब्लम कि बच्चों की पड़ गई है और छुट्टियाँ, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है। तो चलिए बच्चों को उठाते हैं, क्लासेस के लिए तैयार करते हैं। आइए। मेरे बच्चे उड़ गए, देखते हैं। खुशी, कान्हा, गुड मॉर्निंग। कान्हा जी आज, अरे आज तो नहीं है तेरी क्लास, सॉरी, मुझे लगा आज तेरी क्लास है। आज तो संडे है ना? गाइस गड़बड़ हो गई, मुझे लगा आज इनकी इसकी क्लास स्टार्ट हो गई है, बट आज तो संडे है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तो उठना है ना। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। खुशा, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। उत्तरायण के बाद हमारी अब बसंत पंचमी आने वाली है। उस दिन हम, उस त्यौहार के दिन हम दरवाजों पर जौ लगाते हैं, सिर में रखते हैं, इसलिए इनको बो रहे हैं। किस में करते हैं? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में हमारे पहाड़ियों में करते हैं। हाँ, उत्तराखंड में करते हैं हमारे, और कहीं नहीं किया जाता, खाली उत्तराखंड में किया जाता है ये। बसंत पंचमी का त्यौहार ये सामान्य बसंत पंचमी, वैसे सरस्वती पूजा कीजिए, पर हमारे गांव में जौ से घर के दरवाजों पे और सर में भगवान के मंदिर में, ये इसके, अब ये कुछ दिन इतने इतने बड़े हो जाएंगे ना, जब तब इनको काट के तब लगाएंगे। हमने यहाँ पे जौ बो दिए हैं, ये देखो। अभी पंचमी तक वेट करेंगे इसका, फिर पंचमी के दिन इसको हम निकाल के पूजा करेंगे। हाँ चलो, उन्होंने सुबह सुबह नहा लिया गाइस, देखिए। खुशी अभी बैठी हुई है, बोल रही है थोड़ी देर में नहाऊंगी। और देखो गाइस, आज सूर्य भगवान जी सुबह सुबह दर्शन देने के लिए आ गए हैं, बोल रहे हैं तुमने बहुत ठंडी खा ली है और आज से मैं तुमको रोज दर्शन दूंगा। देखो कितनी अच्छी सुबह, खिली खिली। क्या जी, उसको मिला ले ना, ऐसे इधर को मिला ले, बस। गाइज, आज सुबह सुबह बहुत सुंदर धूप आ गई है, जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था कि सूर्य भगवान जी आज जल्दी उदित हो गए हैं, अच्छी खासी धूप आ गई है, आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी अच्छी धूप आ गई। और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं खाट पे, देखो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, धूप सेक रहे, लेकिन हवा चल रही है हल्की हल्की ठंडी। थैंक यू गाइज, खुशी हमारे लिए चाय ले आई है, लो। पकड़ ले, चलिए। किसी का घर बन रहा है उधर, लेके जा रही हूँ। सो गाइस, दादी और बुआ जी जा रहे हैं अब दिल्ली को, और हम लोग उनको स्टेशन पे छोड़ने जा रहे हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं, चलो। फोन रहने दो, मैं ले जा रही हूँ।
ये तो गाड़ी में धरनी बेटो, ये तो उधर जानी गाड़ी। हाँ हाँ चलो तो सही, एक लीजो हाथ पर हिटो ले, जय बोल दे अम्मा को। चलो फोन धरे जा अपन, चलो बैठो बे, चलो फोन किया है। हाँ चलो बैठो, वो हम आया कमी तुम हिड़वाओ बल तो आजा दोनों, बैठो बैठो तो बैठ तो सही, एक बार तुम बैठो बल, ये क्या चढ़ गया, अरे वो बैठो ठीक छ ठीक छ, डगमगाट पड़ जाल का मुँह तुम मानन के लिए छा उनको डगमगाट पड़ जाल। गाइस दादी और हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, और बुआ जी और उधर वो खड़े उधर छोटी लेके, अब वहाँ से रिक्शे में जाएंगे रेलवे स्टेशन। गाइस हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं सोनीपत वाले, आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है लेकिन हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। सारे पैसेंजर हैं यहाँ पे देखो, इनको घूमे दीजिए ना, पकड़ ले लूँ इनको, इनको ले दीजिए कंधम धर ले लूँगी। गाइस गाड़ी आ गई उधर से, गाइस दादी चली गई है दिल्ली फैजलाबाद, आराम मल जाओ, हो यही छटू छटू दादी बुआ को बैठा दिए इस ट्रेन में, वो चले गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, तो चलिए चलते दिल्ली पंजाब मेल चली गई। ओहो तक कुंडी खोल के भाग गया लड़का, क्या कर रहा था, कुछ नहीं कुछ तो कर रहा होगा। अरे बाबू आ गए, हम भूख लग गई थी ना हमको, खाना बनाई बस खाना बना रहे हैं आप, तुम्हारे लिए तुम्हारी मैगी बनाते हैं, हम लोग अपना खाना बनाते हैं। सो गाइस आ गए हम लोग घर पे, सो गाइस बच्चों की मैगी तैयार, हम अपने लिए बना रहे हैं खिचड़ी, बच्चों के लिए है ये लो भाई, सो गाइस हमने बनाई है अपने लिए खिचड़ी कम पुलाव खिचड़ी कम पुलाव बनाया, मतलब हमने तो बनाया पुलाव बट वो क्या बनता है अब देखते हैं। सीटी आ गई है, अब भूख लगी है, खाते हैं। दादी और बुआ जी तो चले गए हैं, वो पहले रुकेंगे दिल्ली, दिल्ली में मेरी वो मौसी सास कह लो या फिर चाची जी कह लो वो रहते हैं, पहले उनके वहाँ जाएंगे फिर वो जाएंगे बुआ जी के वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए खाना खाते आइए। गाइस हमारी खिचड़ी कम पुलाव आ गया है, तो चलिए हम भी खाना खाते हैं, आइए। गाइस शाम के बज गए 3:30 और गाइस अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ खेलने के बाद। गाइज कान्हा खुशी तो गए हुए हैं पापा के साथ घूमने के लिए, और मैं छत पर से कपड़े उठा के लेके आ रही हूँ, और दादी और बुआ जी तो पहुँच गए होंगे,
अभी तक कॉल तो आए नहीं, पहुंच ही गए होंगे, 6 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे वो, और बच्चे गए हुए घूमने। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। धूप तो आज बहुत अच्छी थी, लेकिन उस साथ साथ हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, और अंदर कितना गुम हो रखा है। कनुली कहाँ गया? खेलने चले गया। अरे उसको बुलाओ। अब मैंने उसको बोला था, मुझे अभी टाइम हुआ। देखो पानी की बोतल। हाँ, बोतल प्यास लग दिया, प्यास लग दिया। प्यास तो नहीं बोल रहा, ज्यादा ही VIP बन गए शायद तुम लोग। मैंने तो बोला था। ये क्या लेके आ गई तू? मैंने तो ये बोला ना। ये क्या बोला मैंने? अच्छा, कितने की है ये? 20 रुपए। पुष्पिन ले लो, पुष्पिन। वाह क्या बात है, कितने की है ये बोतल? किंगवे 10 रुपए की। देखो 10 रुपए। ऐसी बिगड़ी औलाद। ये देखो, कुबुद्धि दिमाग बोलते हैं हमारे गांव में ऐसे लोग। ये देखो पिन किस चीज के लिए लेके आया, आप हार्ड बना दिया। तू क्या करती बाबू, ये पिन काम के हैं ये? तो ये काम का नहीं है। अरे देखो चाहिए होगा ऐसे निकाल लो, कुछ चीज लेना हो। काना तेरे को मालूम है ना क्या करता है, उसके सामने ये चीजें लगानी बेकार है। ये देखो ऐसा लगा दिया, अब अच्छा लग रहा है। तूने ड्राइंग कम्प्लीट नहीं करी ना अभी तक? मेहनत से 5 दिन होने वाले हैं गाइस इसके कंप्यूटर को। 5 दिन, 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ता? हाँ। 1 हफ्ते से एक ड्राइंग बना रही है, अभी तक फिनिश नहीं हुई है, कल का दिन और लगेगा तब जाके होगी। तो उस समय नहीं आ सकता था तू? अरे उस समय थोड़ी दिन हो रहा। अरे जूते क्या करके लेके आता है हर रोज? अरे वो फिर आ गया। अरे सो गाइस, टाइम हो गया है 10:30 और सब सो गए हैं। और गाइस मैं एडिटिंग कर रही थी, सो अब मैं भी सोने जा रही हूँ। सो गाइस कल से कारा की ऑनलाइन क्लासेस 1 वीक के लिए, सो देखते हैं कल कैसा होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, 1 साल के बाद समथिंग। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज तो दादी और बुआ जी भी दिल्ली चले गए हैं, बट दादी बहुत जल्दी वापस आएंगी, 1.5 हफ्ते के बाद वो वापस आ जाएंगी कह रही थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्द से लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। जो हमारे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। सो गाइज मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।